यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्भुवा निकिर्मकिर्मम। आज मैं कहना चाहूंगा, आज इस रजनी अखाड़े में जहाँ हमारी सभा हुई है, जहाँ हमारी बैठक हुई है, आज हमारे साथ है सन्यासी अखाड़े, वैष्णो संप्रदाय के अखाड़े और हमारे उदासी अखाड़े सब एकजुट हुए और सभी ने अपने अपने विचार यहाँ रखे हैं। सभी का एक ही लक्ष्य है, दिव्य और भव्य कुंभ हो। जैसे पहला हमारा कुंभ हुआ था, वो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय योगी आदित्यनाथ जी थे, उन्हीं के कार्यकाल में कुंभ हुआ था। और अभी भी जो महाकुंभ होने जा रहा है, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में होने जा रहा है। और सभी संतों का पूरा प्रयास है कि कुंभ बहुत अच्छा हो, सुंदर हो। और हमारा विजन है कि इस बार का कुंभ ऐसा हो कि पूरे विश्व में हमारा नाम हो जाए, प्रयागराज में कोई कुंभ हो रहा है और वहाँ के संतों ने जो मिसाल पेश की है वो पूरे विश्व में हम अप्रिशिएट किया जाए, मेरा ऐसा मानना है कि करीब 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, इसका क्षेत्रफल बढ़ाया जा रहा है। अखाड़ों को किस तरह और जमीन और सुविधाएं दी जाए, और पिछली बार जो विकास कार्य किए गए थे अखाड़ों में उसको भी बढ़ाए जाने की मांग की है। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि जो विकास का कार्य हो रहा है, मैं समझता हूँ प्रयागराज में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। जहाँ भी हम जाते हैं रोड बन रहा है, रोडों का पूरा जाल बिछा हुआ है। परंतु जो हमारे अखाड़ों की ओर अभी सरकार ने पहल नहीं की है, हमारे अखाड़ों में भी कोई कार्य नहीं हुआ है। इसके लिए हम जो है कल और मीटिंग हमारी बैठेगी और मीटिंग के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करेंगे कि अभी जो अखाड़ों के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई है, जो अखाड़ों का कार्य होना था, जो हमें निर्माण राशि मिलती थी, जो निर्माण राशि आज से पहले जितने भी कुंभ हुए, हमारे पाए उज्जैन का कुंभ हो और हमारे नासिक का कुंभ हो, हरिद्वार का कुंभ हो, सब जगह निर्माण राशि मिलती है। वो निर्माण राशि हमारे लिए नहीं होती है। आप देखिए, आपके तो अखाड़ों को मिलता है, अखाड़े कोई हमारे नहीं है, आप ही लोगों के अखाड़े है। आप भी लोगों में से आप भी लोग आकर के संत बनते हैं। हमारा निजी कुछ नहीं होता, हमारे कोई भाई बंधु हमारे संत नहीं होते, हमारे रिश्तेदार संत नहीं होते, समाज के लोग ही आकर के संत बनते हैं। और जो भी हमारा कार्य होता है जनहित के लिए होता है, हमारा निजी कुछ नहीं है। हमारी यही मांग है कि जो हमारा जो कुंभ आ रहा है, इसमें हमारा जनहित के लिए जो हमारे साधु संतों, और आपको मैं कहना चाहूंगा कि समय कहीं लाखों की संख्या में हमारे नागा संत आएंगे, और नागा संत साक्षात भगवान शंकर के रूप होते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे नागा स्नान के लिए निकलते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई ऊपर से ब्रह्मांड से कोई शक्ति आई हुई है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा जितने भी संत महात्मा प्रयागराज में आएंगे उनको सुविधा मिले, और जितने भी अखाड़े हमारे 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों में निर्माण कार्य बहुत जल्दी हो, क्योंकि समय नहीं है। 3 महीने शेष बचे हैं, 3 महीने में कितना कार्य होगा ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से मीटिंग की जाए और जल्दी जल्दी से कार्य शुरू किया जाए। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान में किस तरह अखाड़े सहयोग करेंगे, इसका प्रस्ताव पास किया? देखिए, आपने देखा होगा हमारे वैष्णव संप्रदाय के श्री महंत जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, आप बहुत हमारे प्रतिष्ठित महंत है। आपने सुझाव रखा हुआ है कि जो हमारा प्रयागराज है, यहाँ यात्री आता है लेकिन प्रयागराज स्वच्छ नहीं है। इनका ये कहना है कि अभी आने वाले दिनों में हम जितने भी संत महात्मा है, जितने हमारे भक्तगण है, जितने भी हम लोग हैं, हम सब एक जो है स्वच्छता अभियान हम चलाएंगे, पूरे प्रयाग हम जो है स्वच्छ करने का प्रयास करेंगे। पहली बात यह है कि आप जानते हैं आज का लोग सनातन की कोई भी आलोचना करने में अपना बहुत ज्यादा तारीफ ही मानता है। इसको वातावरण को देखते हुए अचानक, ये तो राज्यों का मामला था, गांव स्तर और ब्लॉक लेवल, जिला स्तर, राज्य लेवल का भी था। अभी जो विशेष घटना हुई है, विश्व के अंदर जहां की रॉकेट नहीं गिरना चाहिए वहां गिर गया है, जहां नहीं होना चाहिए वहां हो गया है। पूरा प्रयागराज कुंभ मेला एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक चिन्हित सदी के वक्त पर हो चुका है, इसलिए इस सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी चिंता है कि प्रयागराज मेले में सुरक्षा के लिए प्रत्येक आदमी जो प्रयागराज मेला में प्रवेश करे उनकी आधार कार्ड के साथ साथ आधार कार्ड नकली है कि असली है, आधार कार्ड के नंबरों से मिलाए जा, उसके बैंक से मिलाए जा, उसके और चीजों से मिलाए जा, जो तरीका है पूरी तरह से आधार कार्ड को रिसर्च करने के बाद सोशल मीडिया के आधार से मिलता है, आधार कार्ड सही है, उस व्यक्ति को अंदर आएगा। हमारे रूप में कोई मांस लगा के हरिगिर के चेहरे का अंदर आना चाहता है उसको तत्काल देखा जाए ये चेहरा इसका असली है
कि नकली है, बनावटी है कि क्या है, उस व्यक्ति का जांच जरूर किया जाए। क्योंकि आजकल क्या है आप जानते हैं, कोई भी 10-5 करोड़ दे सकता है, 10-5 लाख रुपया दे सकता है, और 10 लाख रुपया दे के असामाजिक तत्व मेला में किसी प्रकार का बम और कई घटना इल्जाम दे सकता है, साधु के शक्ल में आ सकता है, मिलिट्री के शक्ल में आ सकता है। अभी आपने क्या देखा श्रीनगर में, एक IAS बनकर आके कई लोगों में और तमाम सुरक्षा कर्मी लेके घूम रहा था IAS बन। तो आज के लोग नटवर लाल क्या नहीं कर सकते हैं, इस कुंभ मेले को हम सभी से असामाजिक तत्वों से बचाए जा सके। हमें अपनी सुरक्षा पे चिंता नहीं है, हमारे सुरक्षा कर्मी इतने प्रबल है कि उन्हें मक्का मदीना में छोड़ेंगे नहीं, वही मरवा देंगे, ये ध्यान रखना। मैं डरता नहीं हूं, पर भगवान से प्रार्थना करता हूं वो घटना क्यों हो, हम क्यों लापरवाही हो जाए, हम क्यों गैर जिम्मेवार हो जाए, इसलिए सरकार के में ध्यान आकर्षण कराता है। भाई देखिए, ये बताइए आप, कौन से मेला, कौन से पर्व और कौन से दिन था अयोध्या जी में हुआ नहीं, बनारस में हुआ नहीं, ये बताइए अच्छे धाम में हुआ नहीं, अरे कब कहां नहीं हुआ, और ऐसा कौन से दिन है जिस दिन आपको सोशल मीडिया में चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे और कोई धार्मिक संगठन हो, किसको धमकी नहीं आ रही है, कि आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से आप निश्चिंत हैं। चिंता तो हमारा काम था, हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है, इसलिए मतलब जो वातावरण है उस पूरा का पूरा चिंताजनक अफसोस और व्यवस्थाएं है। बाकी मैं अपने जवानों पे, अपने सूरवीरों पे न कभी अविश्वास सोचता था, न कल्पना कर सकता हूं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।